नमस्कार दोस्तों। हर बात में बुराई ढूंढ लेने और निंदा करने वालों पर एक रोचक किस्सा है, सुनकर आपको खूब आनंद आएगा, तो सुनिए। एक थे सर्वनिंदक महाराज। काम धाम कुछ आता नहीं, पर निंदा गजब करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग फंसाते थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके सुस्ताने भी बैठता तो कहते, मूर्ख एक नंबर का कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए मिलता तो कहते, मूर्ख जिंदगी भर काम करते हुए मर जाएगा। कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो कहते, पूजा के नाम पर देह चुरा रहा है। ये पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता तो कहते, मूर्ख नास्तिक है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, मरने के बाद पक्का नरक में जाएगा। माने निंदा के इतने पक्के खिलाड़ी बन गए कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव अनुसार विष्णु जी के पास इसकी खबर पहुंचा ही दी। विष्णु जी ने कहा, उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित कीजिए। नारद तुरंत भगवान का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंचे और बिना कोई जोखिम लिए उन्हें अपने साथ ही विष्णु लोक लेकर पहुंच गए। पता नहीं कब महाराज पलटी मार दें। उधर लक्ष्मी जी ने नाना प्रकार के व्यंजन अपने हाथों से तैयार कर सर्वनिंदक महाराज को परोसा। सर्वनिंदक जी ने जम कर हाथ साफ किए, वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास हो गया कि सर्वनिंदक जी लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा कर ही नहीं सकते। फिर भी नारद जी को संतुष्ट करने के लिए विष्णु जी ने सर्वनिंदक से पूछ लिया, और महाराज भोजन कैसा बना, कैसा लगा आपको? सर्वनिंदक जी बोले, महाराज भोजन का तो पूछिए मत, आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं बनाना चाहिए कि आदमी खाते खाते प्राण ही त्याग दे। विष्णु जी ने माथा पीट लिया और बोले, हे वत्स, निंदा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ। आपने तो लक्ष्मी जी को भी नहीं छोड़ा, वर मांगो। सर्वनिंदक जी ने शर्माते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। तभी से ऐसे निरर्थक सर्वनिंदक महाराज सभी जगहों में पाए जाने लगे। हम चाहे कुछ भी कर लें, इन नंदकों महाराजों की प्रजाति को संतुष्ट नहीं कर सकते। इनका काम ही यह है कि खुद कुछ ना करके दूसरों के किए की निंदा करना। अतः ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। तो आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।